मुसलमानों का अकीदा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, वो जिसे चाहे नवाज दे। इन ख्यालात का इजहार हुसैन अली बादशाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में किया। मजीद जानते हैं गुलाम मुस्तफा मुगल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान और याओ सूफिया इकराम की धरती है, ताक कियामत कायम रहने के लिए पाकिस्तान मर्द वजूद में आया है। इन खैरात का धार पाकिस्तान से आए हुए साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी सजादा नशीन दरबारे आलिया बडालवा शरीफ ने खिताब करते हुए किया। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की सरजमीन है और पाकिस्तान को कितनी जल्दी कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ अल्लाह के वलियों की दुआ होती है वहाँ कोई और गुजाइश नहीं हो सकती। इसलिए हमें, हम मुसलमान हैं और ईमान वाले लोग हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आमद पर वजूद। उनका मजीद कहना था कि सूफिया इकराम की तालीमात अमल का दर्स देती है। सिर्फ गुमत खजरा के झंडे के नीचे खड़े हो जाए ना तो हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं होगा। जब हम दुनियादारी के अंदर दाखिल होकर कोई भी काम करते हैं वो दीन से दूर। उन्होंने कहा कि बरतानिया आने का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुकामात पर लोगों को आगाह करना। पूरी कायनात के अंदर ये दीन जो फैलाया है ये सिर्फ मोहब्बत से, और माए कराम को चाहिए कि सख्त जबान इस्तेमाल करने की बजाय मोहब्बत की जबान। इस रूहानी महफिल नात में हजारों फराद ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर आलम अदीम जी के साथ गुलाम मुस्तफा मुगल, जियो न्यूज, मैनचेस्टर।